ये हमारी शिकायत लेके हम निशा मैडम के पास भी गए हैं, उनने हमारी शिकायत को सुन भी ली, लेकिन उनने हमारा काम नहीं करा अभी तक। हम जाते हैं दो चार दिन लगा देते हैं, ऐसे करते करते हमें 2 महीने हो गए। हमारे पीने के लिए पानी भी नहीं है बिल्कुल भी, न नहाने के लिए न पीने के लिए। और ज़्यादा से कहते हैं हम इसमें से फोड़ के ले लें तो ऐसे कहते हैं तुम्हें जेल करवा देंगे, थाने में बंद करा देंगे, तो हम क्या करेंगे? चोरी करने पानी तो चाहिए ना भैया, हम कहाँ जाएंगे? संजय नगर में कार बस्ती में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं सर, और हमें पानी की सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसे नहीं करेगी, सुनाई नहीं करेगी, तो हम पाइप फोड़ के हम चोरी से न लेंगे सर, क्योंकि हम मजबूर हैं सर, हम तो मजबूर हैं सर। आपका नाम? सीता देवी। आज हम सारे वार्डवासी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि वार्ड नंबर 25 के अंदर रेलवे द्वारा मकान लिए गए थे, उसके अंदर से करीबन 2 से 3 महीने हो गए, पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, बिजली की व्यवस्था पूरी हटा दी गई। आज करीबन 3 से 4 महीने हो गए, पूरे वार्डवासी अंधेरे में रह रहे हैं और बिना पानी के रह रहे हैं। कोई कहाँ से टैंकर से लेके आ टैंकर मंगवाता है, कोई दूर कुएं से जाके लेके आता है, और पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दूसरे रिश्तेदार के घर पे नहाना धोना कपड़े धोना वहाँ से करता है, और गरीब बस्ती है पूरी की पूरी, जो कि 1000 से 800 रुपये का टैंकर मंगाती है। एक घर वाला कमाने जाता है तो दूसरी घरवाली की इनकम जितनी 800-700 रुपये जो कमाती है वो पानी के अंदर ही जा रही है। तो आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि जो जनहित में सारी वार्ड नंबर 25 के जितने भी मकान गए, उन्होंने जनहित में आगे होके के भाई रेलवे को कोई बात नहीं, जनहित के अंदर अपने मकान दे दिए उसी के लिए। तो अब हम कलेक्टर साहब को ये अवगत कराना चाहते हैं, जितने भी मकान गए वहाँ से उनको पानी उपलब्ध कराया जाए, और जो लाइटें हटी गई वहाँ से उन लाइटों को लगाया जाए। बस इसी के लिए आज हम पूरी बस्ती सब जाने यहाँ पे कलेक्टर साहब के। वार्ड नंबर 25 से बस्ती है सुंदर नगर है, कार मोहल्ला है, आज़ाद नगर है, संजय नगर है, 4-5 बस्तियां हैं एक साथ जुड़ी हुई, जो कि आज बहुत ही समस्या से ग्रसित है पूरी की पूरी। कैसे मर रहे पार्षद रईस अहमद।